मुंडन संस्कार के बीच में हो रहा है तो प्रथम गीत मुंडन पर ही सुने आप। कोई खास बात नहीं है, बस केवल एक जानकारी है। क्या क्या? और मुंडन का वो मुंडन का अरे मुंडन का होता है किम संस्कार, जो करवाते सब आज है। आखिर ये मुंडन है क्या जो सब लोग करवाते हैं, अपने बच्चों का मुंडन संस्कार करवाते हैं? तो कहना हुआ अरे तिथि कौन सी कौन साज हुआ, अरे तिथि कौन सी तिथि कौन सी कौन साहस हुआ, जो करवाते सब आज है, जो करवाते सब आज है, जो करवाते सब आज है, जो करवाते सब आज है। ये सवाल नहीं है, अब मैं आपको बता रहा हूं। अरे पिछले श्याम सुंदर राजपूत जी, आपके लक्ष्य ये 201 पत्र मुद्राएं हैं। इन पंक्तियों पर हृदय से मैं आपको नमन कर रहा हूं। सुने आप कि आखिर मुंडन संस्कार क्यों? अरे पिछले जन्म के हो पापों से मुक्ति पैदा होता है, तो जो बाल उसके सर में होते हैं वो पावन नहीं माने जाते, इसीलिए मुंडन संस्कार किया जाता है। और अरे गुरुकुल में जाते तो मुंडन कराते, अरे गुरुकुल में जाते तो मुंडन कराते, बच्चों के बुद्धि को करता है का विकास होता है। तो कहना हुआ अरे 16 में है ये प्रमुख संस्कार, हर व्यक्ति के जीवन में 16 संस्कार होते हैं और 16 संस्कार में प्रमुख संस्कार माना जाता है मुंडन संस्कार। तो कहना हुआ सब लोग कहीं न कहीं तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, जैसे हमारे श्यामू भैया बालाजी गए, वहां अपने बच्चों का मुंडन करा के आए। तो कहना हुआ अरे 16 के हाँ हाँ 16 के अरे 16 में ये है प्रमुख संस्कार, जो करवाते सब आज है, जो करवाते सब आज है।
चाहते हैं लोग। आपने दृष्टांत बताया है, फिर आपने बताया भी क्या बताया बेटे कि बच्चा जब पैदा होता है तो जो बाल उसके सर पे आते हैं वो बाल अपवित्र माने जाते हैं। मुंडन संस्कार होता है और आपने मुंडन संस्कार के विषय में लगभग सभी कुछ बता दिया है। भैया अगर तारीख भी बता देते तो वाकई जवाब नहीं आता। आपने सब कुछ बता दिया है कि कौन कौन सी तिथि को कराना चाहिए, कौन कौन से नक्षत्र में कराना चाहिए, कौन कौन से दिन को कराना चाहिए। अब ये सब आपने बता दिया है तो भैया मनोज यादव जी बाबा खेड़ा, मनोज यादव जी की तरफ से ये बहुमूल्य 210 मुद्राओं का स्नेह आया है। यादव जी को धन्यवाद है मेरे लिए। यादव जी बहुत धन्यवाद है। सुनिए सभी कुछ आपने बता दिया है, लेकिन आप ये भी बता गए कि पंचमी को कराना चाहिए, सप्तमी को कराना चाहिए, एकादशी को कराना चाहिए और दसवीं के दिन भी कराना चाहिए। सब कुछ तो आप बता गए। इतनी जानकारी तो अच्छे खासे पंडितों को नहीं होती। अब हम लोग सोच रहे हम लोग करें क्या। और का अपन सामान बांधो काले खेड़ा पहुंचो। फिर भी आइए कुछ प्रयास, चूंकि जवाबी का कार्यक्रम है तो कुछ ना कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा। और का तो मेरी ओर से कहना है क्या क्या कहना है। और आदरणीय सुशील भैया ध्यान दें आप सुनिए। ये जो मुंडन संस्कार आपने कहा कि 16 संस्कारों में ये एक प्रमुख संस्कार माना जाता है, ये सही है? सही होगा इसे थोड़ी। लेकिन मेरी बात सुने, मैं क्या कह रही हूँ क्या लगे क्या। अरे शुभ तिथि में जी, आपके द्वारा ये दादाजी की ओर से आशीर्वाद मिला है।
हेलो। अरे वाह भैया थोड़ा, लेकिन बाबा जी ये गलत बात है, आपने नहीं, ये गलत बात है। एक तरफ आपने 500 हुआ दिया, हमको 200 रुपए निपटा है। अच्छा 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 ये आप एक तरफ से था। अच्छा, उधर पंदवा दिया तुमका, छुट्टा दिया तो घटा चल गया। धन्यवाद है। अच्छा ये लड़के का बाबा जी है, वाह ये बाबा जी की ओर से। या भेद भाव नहीं होगा, अगर 500 तुमका है तो 500 हम लोगों का आएगा, देर में आएगा भले। बाबा जी की ओर से ये पूरा 200 मुद्राओं का स्नेह मिल रहा है। आदरणीय बाबा जी को मैं प्रणाम कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना है। धन्यवाद, सुनिएगा बाबा जी। अगर
आयुष है। तो अरे चित्रवा आयुष के अरे आने से महके, जब उनका जन्म हुआ तो घर का कोना कोना महक गया। ये लो बेटे, और ये पुनः बाबा जी की तरफ से 200 मुद्राओं का आशीर्वाद मिल रहा है। क्या बात बाबा जी, वाह। बाबा जी को हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। हमारे अच्छा यहाँ पर भी एक विशेष बात मिल रही है, जैसे श्याम सुंदर जी और श्यामू भैया ये दोनों भी एक ही राशि के, और देखिए अर्चित और आयुष ये भी एक ही राशि के। तो पंक्ति कह रही है अरे अर्चित बा आयुष के आने से महके, तो श्यामों के घर घर के हर कोने कोने हर कोने कोना महक गया। तो कहना क्या आए हैं।